अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप अगर स्टेटमेंट दे देंगे ना तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। पापा आपको इन सब चीज़ों में शामिल बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। आप चाहो तो मना भी कर सकते हो। ना ना, मना करने वाली क्या बात है, मैं दूंगा पुलिस को स्टेटमेंट। सब नरेश सर, उनको कैसा लगेगा आप पुलिस स्टेटमेंट दोगे तो? स्टेटमेंट देने ही तो जाना है, कौन सा अरेस्ट हो रहा। वैसे भी क्या पता मेरी न्यूज़पेपर में फोटो छप जाए या सरकार मुझे कोई अवार्ड दे दे, और पापा भी शायद प्राउडली बोल दे कि यार आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हो। जानता हूँ। कुछ नहीं हुआ, हाथ छोड़ो, मेरा गाड़ी चलानी है। धत्तेरी की, मैं तो भूल ही गई कि मैंने निहार सर के कपड़े पहने हैं। मम्मी ने देख लिया ना तो सवाल पूछ पूछ के बैंड बजा देंगे मेरी। खुद ही चाबी से खोल कर ना चुपचाप रूम में चली जाती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब अपने काम में व्यस्त है, बच गई मैं। ओ तेरी, ये तो फट गई। आपके लिए खाने की दूसरी थाली लेकर आता हूँ, और जो आपने उसको भी बर्बाद किया ना, तीसरी बार सीधा डॉक्टर रह गया होगा। ऐसे दबे पैर बिल्ली की तरह क्यों घर में घुसी चली आ रही थी? ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तूने रुचि? ये लड़कों के कपड़े क्यों पहन रखे हैं तूने? तेरे कपड़े तेरे हाथ में क्यों हैं? ये मेरे खाटू श्याम जी महाराज, ये चश्मा टूटा कैसे? कुछ नहीं मम्मी, वो आओ, क्या कर रही है? साफ साफ बोल ना, ये कपड़े क्यों बदले और किसके हैं ये कपड़े? वो मैं, अरे ये इतना शोर किस बात का है, क्या हो रहा बाहर? कुछ नहीं पापा। कैसे कुछ नहीं, मुझे सब सुनाई दे रहा है, बीमार हूँ, बहरा नहीं। मम्मी प्लीज पापा को कुछ मत बताना। उषा रुचि अंदर आओ तुम लोग, वरना भाड़ में आ रहा, मैं बाहर आ रहा हूँ। अंदर आओ। बात है निहार, बड़े खुश लग रहे हो आज तुम, अपनी खुशी का राज हमें भी बताओ बेटा। Because I love you, Dumbo. खुशी का क्या राज होता है पापा, इंसान को तो हमेशा खुशी रहना चाहिए ना। वो तो है, लेकिन ना मुझे लगा कि कोई गुड न्यूज है। गुड न्यूज? इन्हें कैसे पता चला अमृता के बारे में? हिटलर के साथ साथ अंतर्यामी भी बन गए क्या ये? इतना क्या सोच रहे हो, हमें भी बताओ, इतनी कौन सी जरूरी डील क्रैक की है कि दो मिनट अपने बाप से बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? हाँ पापा बताता हूँ ना, थोड़े से कपड़े चेंज कर लूँ, पानी वानी पी लूँ, फिर आता हूँ ना आपके पास। कपड़े तो ठीक ठाक है तुम्हारे,
काफी हैंडसम भी लग रहे हो। और पानी चाहिए ना, वो मैं अभी मंगवाता हूँ। अब यूं ही पुतली बन के खड़ी रहेगी या कुछ बोलेगी भी? वो मैं कीचड़ में गिर गई थी ना, तो निहार जी ने अपने कपड़े बदलने के लिए दिया था, तो ये उन्हीं के कपड़े, और ये चश्मा भी टूट गया था, तो उन्होंने टेम्पररी टेप लगा के चिपका दिया था। इतनी सी बात है। मैं जाऊं कपड़े बदल के आऊं? जब इतनी सी ही बात थी तो तू चोरों की तरह घर में क्यों आ रही थी? मैं आप लोगों से डर गई थी, मुझे लगा आप लोग गुस्सा करोगे। बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है, हम जानते हैं कि तुम हमसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। अब काम पे जाती हो तो 100 मुश्किलें तो आएंगी ना, लेकिन हमें सब बताना, हम जरूर समझेंगे तुम्हारी बात, डर कर कुछ छुपाना नहीं। ओके पापा। जाओ कपड़े बदल लो और चश्मा विवेक को दे दो, बनवा कर ले आएगा। रुचि बेटा तूने बिजली का बिल भर दिया ना? 2000 रुपए है। हाँ। अब मुझे दो। थैंक यू मम्मी। वो काम में भूल गई, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कल भर देना वरना बिजली कट जाएगी ना। हाँ। जा। और दूं बेटा पानी? तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट काम करके आए हो तुम? पापा वो प्रतीक, आज निहार बहुत बड़ी बिल क्रैक करके आया है, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। बोलो बेटा। क्या बोलूं कि मैंने कोई डील करी ही नहीं है, सारा दिन अमृता के साथ था। अगर डील बहुत अच्छी हुई ना तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर आज का दिन भी तुमने वेस्ट किया तो उसकी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। आगे कंगाल हूँ, और कितना कंगाल बनाओगे पापा? कुछ कहा तुमने? नहीं पापा, मैं कह रहा था कि पेनल्टी क्या भरनी पड़ेगी। पेनल्टी? अरे तुम पेनल्टी के बारे में क्यों सोच रहे हो, गिफ्ट के बारे में सोचो। आखिर डील तो फाइनल की है ना तुमने। अभी के लिए झूठ बोल देता हूँ, बाद में संभाल लूंगा। हाँ पापा बिल्कुल फाइनल की है, और बहुत ही बढ़िया डील फाइनल की है। एक ब्राइड से अभी मीटिंग फिक्स कर कर आ रहा हूँ मैं, और अगले हफ्ते शायद वो आएंगे भी मीटिंग करने के लिए, डिजाइन्स देखने के लिए। वेरी गुड। पापा कम से कम 25-30 लाख की सेल की तो गारंटी है। तो जो भी सेल फाइनल होगी उसका 10% तुम्हारा गिफ्ट। सच पापा? यस। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। चलो अब ज्यादा मत सोचो, जाके सो जाओ। चलो ऑल द बेस्ट। निहार तू वाकई डील करके आया ना? हाँ भाई ऑफ कोर्स, झूठ थोड़ी बोलूंगा आपको। कंग्रेचुलेशंस भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ निहार बेटे, इतना झूठ बोल बोल के तो नर्क में स्पॉट फिक्स करा ही लिया तूने। तो ये भी मेरी जेब की तरह खाली है। क्या कर रही है जूती? देखिए टी-शर्ट पहले से फटी हुई, तू और फाड़ दे। अरे भाड़ में जाए तेरी टी-शर्ट, जो मैं बोल रही हूँ ना पहले वो सुन। निहार तेरा सोलमेट है। ना पागल। अरे तू खुद ही सोच ना, वहाँ इतने लोग थे पूजा में, फिर भी तुझे सिर्फ निहार ने ही बचाया, और वो भी एकदम फिल्मी हीरो टाइप्स। हाय सो रोमांटिक। तू भी ना ज्योति, फालतू का दिमाग ही चलता है तेरा। निहार सर की जगह कोई भी अच्छा इंसान होता ना तो यही करता। क्यों परेशान कर रहे हो उसको? यार दीदी तुम ना ज्यादा दादी अम्मा ना बना करो, उसके लिए दादी है ना घर पे। तुम ये बताओ निहार सर से बात हुई? हाँ, और वो मान गए। थैंक गॉड। मैं पापा के फोन से ना इंस्पेक्टर का नंबर निकाल के तुम्हें भेजता हूँ। निहार सर,
हेलो जी सर। रितिका। रुचिता सर। यार रुचिता देखो तुम्हें मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। मेरे लिए दुल्हन ढूंढनी है, वो भी जल्द से जल्द। ये आवाज कैसी थी? सर बिल्ली थी, बिल्ली। हट। मेरी बात सुन ली ना तुमने? जी सर, आपको एक दुल्हन चाहिए है ना? लेकिन सर आप शादी कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसकी शादी होने वाली है और उसे किसी भी तरह से कन्विंस करो कि वो हमारे स्टोर से सारी ज्वेलरी ले। जी सर, लेकिन मैं ये सब कैसे? अरे कम ऑन यार, अब मैं पापा को कमिट कर चुका हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर यार इतना बड़ा भी काम नहीं है, मेरी बेस्ट एम्प्लॉय के लिए तो ये छोटी सी बात है। हाँ ओके सर, मैं देखती हूँ। वाह बेस्ट एम्प्लॉय, क्या बात है, चुप कर यार। पूनम, कल मैंने आपसे निहार से बात करने के लिए कहा था। उम्मीद है कि तुमने अपने लाडले को ठीक से समझा दिया होगा। वो कल पूजा थी ना, और उसके बाद इतना कुछ हो गया, समय नहीं मिल पाया। आज बात करती हूँ उससे। कोशिश करना कि मामला तुमसे ही समझ जाए तो ही बेहतर होगा। पापा वो रितु के पेरेंट्स आ रहे हैं बीकानेर से 2-3 दिन के लिए। अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा था कि 2 दिन वो हमारे यहाँ रहें तो। ऑफ कोर्स भाई, अंकल आंटी भी हमारी फैमिली जैसे हैं, अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी नहीं है? पापा मैं तो बस। चुपचाप खाना खाओ। प्रतीक बेटा, ये समधियों के रिश्ते जो है ना, बड़े नाजुक होते हैं। जरा सी बात और मुद्दा बड़ा बन जाता है, दिल में कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसलिए ऐसे रिश्तों में जितनी दूरी ज्यादा हो उतना बेहतर है। मम्मी, किसी की शादी हो रही है क्या? क्यों, तू पंडित है? तू चुप कर। मतलब कोई भी मोहल्ले में या फैमिली में कोई भी होने वाली दुल्हन है क्या? नहीं फिलहाल तो नहीं। क्यों? नहीं ऐसे ही कुछ काम था। बता ना क्यों पूछ रही है तू। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि गाड़ी का क्या हुआ? नहीं बिकेगी गाड़ी। जबान कैंची की तरह तेज चलती है तेरी। जितने पैसे में पापा बेचना चाह रहे हैं उसमें कोई नहीं खरीदेगा। मुझे तो लगता है उन्हें बेचनी ही नहीं है, तभी ऐसी कीमत मांगते हैं कि सामने वाला ही मना कर दे। विवेक, दादी सही कह रही है, जबान के साथ साथ दिमाग जरा कम चलाया कर अपना। मम्मी लेकिन विवेक तो सही कह रहा है ना, पुरानी गाड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, फिर हम क्यों बेचें? बेटा देख, तेरे पापा तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे, 6-8 महीने खड़े खड़े और खराब हो जाएगी। फिर देनदारों के पैसे भी तो देने हैं, इसीलिए बेच रहे हैं गाड़ी। मम्मी लेकिन गाड़ी के पैसों से तो कुछ भला नहीं होगा, पापा को बोलो ना गाड़ी नहीं बेचते हैं। तेरे पापा नहीं मानेंगे, और गाड़ी बेचेंगे तो दो पैसे ही आएंगे ना। तो मैं सीख लेती हूँ ड्राइविंग, और कार से ही ऑफिस चली जाऊंगी, और इस डफर को भी स्कूल छोड़ दूंगी है ना, और रिक्शे के पैसे भी बचेंगे। बात तो सही कह रही है रुचि। अगर आप सब लोगों को ठीक लग रहा है तो मैं करती हूँ इनसे बात। हाँ नरेश, कौन सा रोज रोज आते हैं वो लोग, इतने सालों में पहली बार आ रहे हैं, और फिर 2 ही दिन की तो बात है, आने दे उन्हें। आप जो कह रही हैं वो बात सच है माँ, लेकिन आप रोक क्यों रहे हो? क्या हुआ रितु बेटा, रो क्यों रहे हो आप? एक्चुअली पापा, रितु ने गलती कर दी, उसने ऑलरेडी एक्साइटमेंट में मम्मी पापा को यहाँ रहने के लिए कह दिया। मैं जानता हूँ कि उसे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तब मना कर दिया था, अब वो मान गए, अब उन्हें मना कैसे करेंगे पापा।
इसीलिए कहा जाता है बोलने से पहले हजार बार सोच लेना चाहिए, खासकर ससुराल में जहाँ पूरा परिवार रहता है। जब मैं एक बार कह चुकी हूँ कि उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है तो फिर दोबारा ये बात उठाने की जरूरत ही क्या है? पूनम, जब रितु ने बोल ही दिया है तो फिर हम मना कैसे कर सकते हैं? और फिर दो ही दिन की तो बात है, आने दे उन्हें। माँ देखो, रितु की इज्जत हमारी इज्जत है और इसकी बात का मान सम्मान रखना हमारा फर्ज है। आप जो कह रही हैं वो बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि जब पूनम ने रितु को मना कर दिया था तो रितु का फर्ज बनता है अपनी सास की बात का लिहाज रखना। गलती रितु ने की है तो सुधारना भी उसी को पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अब और कोई चर्चा यहां होनी चाहिए। किसी तीसरे को हमारे बीच में नहीं देख पा रही हूं। Because I love you, Dumbo. 12:30 बज रहे हैं। अभी कॉल करो। लेकिन बोलूंगा क्या? लाइक तो उसे मैं भी करता हूं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। वॉइस मैसेज भेजता हूं। क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एकदम फिटी हो गई हो मेरे दिमाग में, निकल ही नहीं रही। जब से आया हूं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। आई नो कि आज हमारे बीच बहुत अजीब चीजें हुई और तुमने भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया, बट अच्छा था। अगर तुम ऐसे बिहेव नहीं करती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूं। तुम्हारा ख्याल मुझे इतना बिजी रख रहा है कि मेरी तो नींद ही उड़ गई है। निहार, ओ नो, कहीं मॉम ने सुन तो नहीं लिया? अब जी मॉम, 2 मिनट बात करनी है तुमसे। हाँ मॉम बताइए। बैठे थे, ये उम्र बड़ी नाजुक होती है बेटा, इसमें बच्चे खुद के अलावा कुछ भी देखना समझना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी कुछ हदें ऐसी होती हैं जिन्हें देखना जरूरी होता है। जिन हदों को लांघने की ना हमें इजाजत होती है ना हक। मैं कुछ समझा नहीं मां। तेरे और अमृता के बारे में बात कर रही हूं मैं। तुम दोनों के बीच जो चल रहा है ना, वो न मुझसे छुपा है ना पापा से। बहुत नाराज है वो, पर सच कहूं तो मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, और इसीलिए मैंने रितु से कहा था कि वो समझाए अमृता को, लेकिन शायद अमृता समझना नहीं चाहती या फिर कुछ और है। इसीलिए तुझे समझना होगा बेटा, अपने कदम पीछे लेने होंगे बेटा। देख,
आज मैं आई हूँ तेरे कमरे में, तुझे प्यार से समझा रही हूँ। कल पापा आएंगे, सीधे फैसला सुनाएंगे, जो न तुझे अच्छा लगने वाला है न किसी और को। इसलिए जो बातें मैंने कही है ना बेटा, उस पर गौर जरूर करना, तेरी भलाई इसी में है। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। रात में किसका मैसेज आ रहा है? निहार सर का मैसेज इतनी रात को? सब ठीक है ना? क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एकदम फिटी हो गई हो मेरे दिमाग में, निकल ही नहीं रही। जब से आया हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। आई नो कि हमारे बीच आज बहुत अजीब चीजें हुई और तुमने भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया, बट अच्छा था। अगर तुम ऐसे बिहेव नहीं करती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तुम्हारा ख्याल मुझे इतना बिजी रख रहा है कि मेरी तो नींद ही उड़ गई है।